हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थावर टेक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने Facebook अकाउंट पे आप लोग अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग अपने Facebook अकाउंट पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की जो वीडियो है आप लोगों की वायरल हो जाए, या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो पेज पे वीडियो डालते हो वो वायरल हो जाए, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने Facebook पेज की और Facebook की वीडियो कैसे वायरल कर सकते हो। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग पूरी वीडियो देखना, आप लोगों के समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, क्रिएटर स्टूडियो। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जो YouTube का YT स्टूडियो हो उसी तरीके से Facebook का आप लोगों को क्रिएटर स्टूडियो होता है। तो ये आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ से आप लोगों को भी वीडियो अपलोड की होगी वो आप लोगों को रिसेंट अपलोड दिखाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों को अपनी वीडियोस को अगर वायरल करना है, आप लोगों ने नया पेज बनाया है या आप लोगों का पुराना Facebook अकाउंट है, आप लोगों को अपनी वीडियोस को वायरल करना है, तो आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की जो वीडियोस अपलोड करोगे वो वायरल हो सकती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रिएटर स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को ऊपर यहाँ पे पेंसिल का एक आइकन दिखेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग रील्स अपलोड करना चाहते हो या वीडियो अपलोड करना चाहते हो या फोटो अपलोड करना चाहते हो या लाइव। तो हमें यहाँ से वीडियो अपलोड करना है, तो हम वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों वीडियो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आप लोगों के सामने आप लोगों की गैलरी की सारी वीडियो आ जाएंगी। तो आप लोगों को यहाँ से वो वीडियो चूज़ कर लेनी है जो आप लोगों को अपलोड करनी है फेसबुक पे। तो यहाँ से मैं चूज़ करके इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो हमने ये वीडियो चूज़ कर ली है। इसको चूज़ करने के बाद अब हमें यहाँ से इस वीडियो का टाइटल डालना है। तो टाइटल आप लोगों को यहाँ से डाल देना है। आप लोग टाइटल हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल सकते हो। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइटल डाल दिया है। टाइटल डालने के बाद आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ से पॉपुलर हैशटैग लगाने होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं फेसबुक पेज पे और फेसबुक की। तो यहाँ से आप लोग कैसे हैशटैग और कैसे टाइटल आप लोग लिख सकते हो। बहुत सारे यूज़र्स का क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, ये टाइटल्स है। टाइटल्स दोस्तों आप लोग कॉपी करके, आप लोगों को टाइटल नहीं लिखना, तो आप लोग यहां से कॉपी करके सीधा डिस्क्रिप्शन में आप लोग टाइटल और टेक्स्ट लिख सकते हो। तो यहां से डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने जिस तरीके की वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग यहां से अपने हैशटैग लिख सकते हो, आप लोगों का जो भी हैशटैग है। तो यहां से मैं हैशटैग लिख लेता हूं, हैशटैग डाल देता हूं। ये हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से ऐड टाइटल्स लगा सकते हो, या तो आप लोग वीडियोस में ही से ही टाइटल आप लोग थंबनेल चूज कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ से थंबनेल चूज करना है। तो यहाँ से मेरे पास थंबनेल है तो मैं यहाँ से थंबनेल लगा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैंने थंबनेल लगाया उसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे से ही नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को पब्लिश आप लोगों को अभी करना है या आप लोग यहां से टाइम लगाना चाहते हो, तो यहां पे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करोगे। अगर आप लोगों को एक टाइम सेट करना है कि 10 मिनट बाद ये वीडियो अपलोड हो, 20 मिनट, तो यहां से आप लोग टाइम सेट कर सकते हो। तो यहां से मैंने टाइम सेट कर दिया और यहाँ से बैक जाता हूँ और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ ही सेकंड के अंदर आप लोगों की वीडियो पब्लिश हो जाएगी। वीडियो को जब पब्लिश कर देते हो उसके बाद आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को कहाँ मिलेंगे और कैसे आप लोग अपनी
वीडियोस को वायरल कर सकते हो ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ।